बंदा नमाज पढ़ने नहीं आता है तो उसके घर का घेराव किया जाए। जब बड़ा आदमी करोड़पति आदमी इस काम के लिए निकलता है ना तो पचासों सैकड़ों लोग उसके साथ हो जाते हैं। मस्जिदें खचाखच भरी हुई नमाजियों से, कोशिश तो करके देखे ना यार। अगर हमारे लोग खुद ही सोते रहेंगे अपने दरवाजों पे, खटिया बिछा करके, चारपाई बिछा करके, पंखा झलते रहेंगे या कूलर लगाकर सोते रहेंगे, आराम फरमाते रहेंगे, आप सोचिए अगर ये कूलर ये लाइट थोड़ी देर के लिए चली जाए और अल्लाह की जो हवा चलती ये बंद हो जाए एक आधा घंटे के लिए, आपका हाल क्या होता है, क्या हास्य होता आपका। पंखा लिए, बनियाइन उतारे, पैजामा पहने या सिर्फ लुंगी पहने हुए इधर से, क्या हुआ भाई साहब। अल्लाह की जो हवा चलती फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा लेता है परवरदिगार। ऐसी कूलर सब फेल है, कुदरत की हवा अगर चल जाए ना तो सारी हवाओं पे ये नेमतें इलाही भारी होती है। अल्लाह कुछ नहीं लेता इसका, फ्री ऑफ चार्ज है। तो क्या अल्लाह की इन फ्री नेमतों का शुक्रिया अदा करने का हौसला हमें पैदा नहीं होता। शाहजहां बादशाह का नाम सुना ना आपने, जिसने ताजमहल बनाया था और जिसकी कब्र भी उसी ताजमहल के अंदर है। दिल्ली की जामा मस्जिद जिसने बनाई, दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया, उस लाल किला के दीवाने खास में उसने तख्ते ताऊस बनवाया था। तख्ते ताऊस उस जमाने में 17 करोड़ रुपए का बना था। 400 साल पहले की बात कर रहा हूं, 17 करोड़ रुपए का तख्ते ताऊस। दुनिया भर के इंजीनियर बुलाए गए, उसने कहा था तख्ते ताऊस ऐसा बनाया जाए कि जब मैं तख्ते ताऊस पर कुर्सी पर बैठूं अपने सर पर ताज रख करके, तो मेरे ताज का ऊपर का जो नोक है, जामा मस्जिद की सीढ़ी जो ऊपर आखिरी सीढ़ी है, वहां जहां नमाजी अपनी जूती और चप्पलें खोलता है, हमारे सर के ताज का नोक उस जूती से ऊपर नजर आए, उसके नीचे रहना चाहिए। बन गया तख्ते ताऊस। शुभारंभ का वक्त आया, दुनिया भर से वज़रा बुलाए गए, आया ने सल्तनत बुलाए गए दिल्ली में। इफ्तिताह का वक्त हुआ, शाहजहां बादशाह अपने तमाम तर जाहो जलाल के साथ कुर्सी पर ताज रख करके बैठा। जैसे बैठा वैसे उठ के खड़ा हुआ, कहा पानी लाइए। पानी मंगाया गया, उसने वहीं बैठ करके वजू करना शुरू किया। इंजीनियर चीख उठे, बादशाह सलामत, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सुनता रहा, कुछ जवाब ना दिया, बाजाबता पूरा वजू किया, मुसल्ला मंगवाया, उसी तख्त पर मुसल्ला बिछाया और उसने 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की। सलाम फेरने के बाद जब लोगों ने पूछा हुजूर आपने ऐसा क्यों किया, तो बादशाह का जवाब यह था कि जब मैं कुर्सी पे अपने सर पर ताज रख के बैठा तो शैतान आया मेरे पास, उसने कहा बादशाह सलामत, इतने बड़े मुल्क के आप मालिक हैं, 17 करोड़ के तख्ते ताऊस की कुर्सी पर बैठ करके ये ताज कितना खूबसूरत लगता है, जब भी दुनिया में कोई इस पोस्ट पे पहुंचा है तो उसने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया कि मैं अल्लाह हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम भी नारा लगाओ। तो बादशाह ने कहा दुनिया ने इस मकाम पे पहुंचने के बाद अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया, शाहजहां ने इसी तख्त पर वजू करके सजदे में सर रखकर सुभाना रब्बियल आला का नारा लगाया। खुशियों के मौकों पे किसे अल्लाह याद आता है। शादी का मौका आ जाए, कितनों की नमाजें गुल, अच्छे अच्छे नमाजियों को देखा हजरत गायब था,
बड़े बिजी हैं काम में, गमी का मौका आ जाए नमाजें गुलजार, इसका मतलब आप पक्के नमाजी नहीं हैं, सच्चे नमाजी नहीं हैं, वरना नमाज कजा हो जाए और दिल में इस्तराब न पैदा हो, बेचैनी पैदा ना हो, काय के मुसलमान हम। 150 घर से अगर एक एक बंदा नमाज पढ़ने आए तो 150 नमाजी बनते हैं मस्जिद में, 150। मुमकिन है आप ये कहें कि मैं तो अपने ताकते बाजू की बुनियाद पे पैसे कमाता हूं, ये हाथ किसके बाप का है, ये किसने दिया हाथ? अल्लाह का दिया हुआ है, ये पैर रब का दिया हुआ है, इस खोपड़ी में दिमाग रब ने रखा है, हमारे बाप का दिया हुआ नहीं है, हमारे इस सीने के लेफ्ट साइड में दिल का जो मॉनिटर ऑफ बॉडी बनाया गया है वो भी अल्लाह ने बनाया है, किसी के बाप का नहीं है, सब कुछ खुदा का है। फिर किस बात का घमंड कि धंधा चल रहा है, मांस जी रहे हैं, खा रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, कुछ ना हमारा ना तुम्हारा। और रब ने खुद फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही बादशाह है जमीनों और आसमानों का, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब का रब का है, आपका क्या है? किसी ने कितना भी पैसा कमाया हो, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, कभी ना कभी तो होगा ही किसी ना किसी, तो अगर मैं चाहूं कि मैं ये सदरी पहन के अपनी कब्र में जाऊं, जा पाऊंगा? हमारे खानदान के लोग क्या मुझे ये सदरी पहना करके बटन लगा कर भेजेंगे हमारी कब्र में? नहीं ना, ये टोपी लगा के हम जा पाएंगे अपनी कब्र में? कोई ये सोच ले ला या कुछ रुपए अपने अब्बा की कब्र में रख देते हैं, कफन में जेब भी नहीं होती। चकमाल के लोगों, आपके यहां कफन में जेब बनाई जाती है? हमारे यहां तो यूपी में राजस्थान में कफन में जेब नहीं होती है। चलो अगर जेब हो तो 2-4 लाख इसमें रख दो, 2-4 कि अब्बा हुजूर नीचे कुछ पर्चिंग निकल लेंगे जाकर के अंदर। मियां मरते ही आदमी का सबसे पहले नाम बदलता है, नाम। कोई मरे, कोई नहीं, खान साहब मर गए जी, मैयत 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 मैयत, ओ मर गया, फला मर गया, मर गया मर गया, खान साहब नहीं, सैयद साहब नहीं, अंसारी साहब नहीं, शेख साहब, ओ मर गया, मुर्दा मुर्दा मुर्दा, फौरन ही नाम बदलता है। और ज्यादा देर तक कोई रखता वक्ता भी नहीं अपने घर में किसी मुर्दे को, जानता है ये बिल्डिंग अब्बा ने बनाई है, खेती बाड़ी खरीद के अब्बा ने दी है, बैंक बैलेंस अब्बू हुजूर ने दिए हैं, लेकिन जानते हो बस एक लिमिट है 4-5-6 घंटे की, जल्दी करो, अरे जल्दी करो जल्दी करो भाई साहब जल्दी करो, कफन ले आओ, कब्र खुद तैयार हो गई, हाजी हो गई, अच्छा मस्जिद में ऐलान कर दो इमाम साहब मौजिन साहब जनाजे की नमाज जोहर के बाद पढ़ाई जाएगी, सब लोग तशरीफ ले आए, बस उसके बाद सब जितने पो पा रोने वाले होंगे आप जानो आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, हम चले प्रॉपर्टी तकसीम करने के लिए, ये दुनिया की रीत है, और दुनिया के फरेब में मुब्तला होकर के अपने आप को भूल जाने वाले, अपने रब को भूल जाने वाले बंदे, और अपनी गुंडागर्दी की बुनियाद पर हर सरहद पार कर जाने वाले इंसान, सोच तुझे मरने के बाद जर्रे जर्रे का हिसाब देना। एक खातून थी, सोने की अशरफियां उसके पास, मटका भरा हुआ था, एक मर्ज पैदा हो गया उसके जिस्म में, डॉक्टर ने कह दिया लाइलाज, बहुत जल्द तुम्हें मर जाना है।
उसने कहा डॉक्टर साहब हमारी अशरफियों की पूरी जो मटकी भरी हुई सब ले लो, हमें जिंदगी की चंद सांसें दे दो। उसने कहा नहीं, दुनिया का कोई मौलिज कोई डॉक्टर तुम्हें जिंदगी की एक सांस नहीं दे सकता है। तो जानते उसने क्या किया था, मटका उठाया अशरफियों का और ऐसे फेंकते जाती थी सड़कों पे, इस पैसे को रखने से इस अशरफी का क्या फायदा जो हमारे इलाज के काम ना आ सके, हमारी जिंदगी के लिए ये बाजाबता तौर पर जो बीमारी लाहिक है उससे दूर न कर सके, तो इस अशरफी इस सोने इस चांदी से क्या फायदा। हम भी देखते हैं इसी दुनिया में रहते हैं, सब जाके हाथ जोड़ डॉक्टर साहब कुछ कर दीजिए, और डॉक्टर साहब भी क्या कहते हैं, जी जो मुझे करना था वो तो मैंने कर दिया, तुम भी दुआ करो हम भी दुआ करते हैं। शिफा अल्लाह देता है, डॉक्टर सिर्फ इलाज करता है, ये ध्यान रखना। हमारा सुन्नी सिर्फ अल्लाह ही की नहीं मानता बक्के सबकी मानता इल्ला माशाल्लाह। जी अल्लाह का हक नहीं पहचानता हमारा सुन्नी। अल्लाह फरमाता है कैफ तकफुरून बिल्लाह वकुंतुम अमवाता फअहयाकुम ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون। तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो, वो अल्लाह जिसने तुम्हें अदम से वजूद में लाकर रखा, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम्हें पलट के रब की तरफ जाना, उस रब का इनकार तुम कैसे करते हो। जरा हमारी जहालत तो देखे, जब भी कोई मुश्किल होगी तो अल्लाह को तो जल्दी नहीं पुकारेंगे, कहीं यहां जाएंगे कहीं वहां जाएंगे कहीं वहां जाएंगे, कहीं उन हजरत की बारगाह में कभी उन हजरत के, हजरत आप अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहू बिहा। ओ बंदे तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम है, अपने रब को उन्हीं नामों से पुकारा कर। अल्लाह ये भी फरमाता अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है। हमारी कौम जो है जाके वलियों को परेशान करती है, हजरत हम ठीक हो गए तो 5100 रुपए की चादर चढ़ाएंगे, उनको क्या काम उस चादर से। हजरत हमारी बेटी अच्छी हो गई तो अब ये करेंगे आपके लिए क्या काम, वो तो जन्नत की बहारों में सोता है। अल्लाह का वली जन्नत की बहारों में सोता है, तेरे चादर की क्या जरूरत बंदे, उसे अगरबत्ती सगरबत्ती की क्या जरूरत है, तना लिए ठूस के सुलगा के आ जाता है बेटा मजारों पे, क्या काम इसका। अब तो सोने दे चैन की नींद, मुनकर नकीर ये कह के गए हैं नाम का नाम तिल और उस सो जा बंदे जैसे दुल्हन सोती है, अब सोने दे बंदे, क्यों परेशान करता अल्लाह के वलियों को, क्यों उस रब से नहीं मांगता जो कभी ऊंघता नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहू सिनतुन वला नौम, उस रब से क्यों नहीं मांगते हो जो अल्लाह कभी गाफिल नहीं होता है, कभी नींद नहीं आती, कभी ऊंघ नहीं आती। हमने रब का मकाम भुला दिया, पहचानो अपने रब के मकाम। हम किसी गूंगे बहरे लूले लंगड़े अपाहिज कॉकरोच सांप बिच्छू कॉकरोच और चूहा बिल्ली घोड़ा गधा समंदर पानी आग पेड़ पौधे, हम इसको खुदा नहीं मानते हैं, हमारा खुदा वो है जो हमेशा से है हमेशा रहेगा। हमारे बच्चे कभी सीखेंगे, किसी मुस्लिम बच्चे से अल्लाह की डिफिनेशन पूछे ना कि बेटा बता कि अल्लाह का वजूद जो मिन है सु वजूद वाजिबुल वजूद है, जरा तारीफ करके बता। अक्सर लोग शर्मिंदगी का शिकार हो जाएंगे, कौन बताएगा हमारे बच्चों को,
अभी जो हो रहा है ताजिया के नाम पर बुत परस्ती जो हो रही है ना, हमारे भी उलमा क्या करते हैं, अजी ताजिया चलो फर्ज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है, चलो सुन्नत भी नहीं है, मौकदा गैर मौकदा भी नहीं है, मगर नक्शा बनाने में क्या जाता है। आज देख लो उन्हीं ताजियों के अंदर मूर्तियां बना दी गई, मूर्तियां, और हमारे सुन्नी आए हाय क्या, या हुसैन या ले मलीदा दे मलीदा दे फातिहा दे कुरान खानी मूर्तियों के सामने, इस तरह पगला गया हमारा सुन्नी, उसे यही शऊर बाकी नहीं रहा कि हम कर क्या रहे। बास पीर भी इसी लाइन में लग गए और बास मुल्ले भी इसी लाइन लग गए, हमारे मौलाना लोग भी कि नहीं जी यू यू इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना के रखना चाहिए। काम क्या है, दिल को इतना क्लीन कर लो यार, दिल के आईने में हो तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली क्या जरूरत पड़ी है ये चमचमी और बांस की फट्टी लाला करके ताजिया बाजिया बनाना। 50-50 लाख की ताजिया सुन्नी बना रहा है, उसी सुन्नी से मदरसे के नाम चंदा करने जाओ उसे मौत आ जाएगी, ये धंधा ही नहीं चलता, मर जा रहा कम बम मस्जिद के नाम चंदा कर, धंधा नहीं चल रहा है, और ये धंधा कहां से आ गया तुम्हारे पास। छोटे छोटे ताजिए, बोले ये अली असगर है, ये अली अकबर है, ये कासिम है, ये फलाए रखा है, वाह वाह क्या तुम्हारी लॉजिक है यार। मुझे खुशी हुई कि आपके गांव में ये बिदात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, 4-5 सालों से बंद है, अल्लाह करे ये बंद ही रहे। अकीदत दिल में रखो ना यार, अहले बैत मुस्तफा की, इमाम हुसैन का फकीर बनाते हैं, हरा हरा कपड़ा पहना देंगे, पायक बना देंगे, बंदर की तरह 3 दिन कूदता रहेगा। अरे यार हम सब उनके फकीर हैं, हम जो खाना खा रहे हैं ये सदका अहले बैत मुस्तफा का खा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम फकीर हैं अहले बैत रसूल के, फकीर बनाने की जरूरत कहां पे चाहिए। इसलिए साथियों दोस्तों बुजुर्गों थोड़ी इस्लाह कर लो, हर शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़े सुन्नी इमाम की इक्तदा में, हर मुसलमान ये सोच ले कि हमारा रब हर लम्हा हमें देख रहा है, नजर चुरा करके झूठ बोल लेना कानून तोड़ देना एक आम सी बला है, लेकिन याद रखना अल्लाह फरमाता वा असिरु कौलकुम अभी झरु भी इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम चाहे चुपके बोलो चाहे जोर से बोलो अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। जो रब सीने के राज तक को जानता है उससे क्या चीज छुपी हुई है, क्यों हम ऐसे काम करते हैं कि कोई जान नहीं पाए। वह कहा बच्चे, हम भी बचपन में सुना करते थे ऐसा पानी पीता खुदा नहीं जानता माजल्ला, वो क्या करते थे बच्चे बच्चे रोजा तो रख लेते अम्मा अब्बा के डर से और जाके अंदर जो है पानी तालाब में नहाते तो अंदर ही मुंह खोल के पानी पी लेते, एक दिन जब वो मछली फंसी ना उसके गले में तब पता चला ये मर्दूत कैसा पानी पीता। ऐसा ना हो कि बरसरे बाजार नीलाम हो जाए, तवज्जो है आपकी। फिलिस्तीन का नाम सुना है आपने, वीडियोस देख लिए आप, तकरीबन 11 से 12 महीने हो गए हैं, 2.5 से 2 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए, बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, शौहर बगैर बीबी की हो गए,
मकानात खुद के उनकी कब्रों में तब्दील हो गए, डेड बॉडी उनकी महीनों के बाद निकाली गई है मलबे से। एक एक कब्र में 50-50, 100-100 मुसलमानों को एक साथ दफन किया गया है। कफन के कपड़े नहीं मिले, खाने के लिए उनके घर में कोई सामान नहीं। माएं पेड़ का पत्ता तोड़ के जूस निकालकर पेड़ के पत्तों का थोड़ा नमक डाल के बच्चों को पिला पिला के जिंदा रख रही है। पानी पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। नाली का पानी जो सड़कों पे गटर में बहता है वो पानी पीने को मजबूर हैं वो लोग। क्या जुर्म किया उन्होंने? हम और आप तो 3 टाइम खा रहे हैं ना, बिस्लरी पी रहे हैं, फिल्टर का पानी पी रहे हैं, ऐश की नींद सो रहे हैं, 9-9 बजे तक लोग सोते हैं, एहसास तक नहीं है लोगों को। ये कंडीशन है तो जो सिर्फ हालात आज फिलिस्तीन के हैं, पूरी दुनिया चुप गूंगी बहरी और अंधी हो चुकी है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। अगर ये हादसात आपके साथ पेश आए तो क्या हो? अगर आपको खाने को ना मिले तो क्या करेंगे? पानी पीने को ना मिले तो क्या करेंगे? हमने देखा कुछ, एक बच्ची कोई थी 12-13 साल की, वो भागती हुई जा रही थी, दुपट्टा सर पे नहीं था। पत्रकार ने उसका फोटो खींचना चाहा, उसने कहा मेरे भाई मेरी तस्वीर मत उतारना, इस मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। क्या ये जुमले हमारी कौम की बच्चियों, माओ और बहनों को इस हवाले के लिए काफी नहीं है कि हमें पर्दे में रहना चाहिए? कुछ बच्चे और बच्चियां अपने हाथ पर अपना नाम लिखवा रहे थे। जब उनसे पूछा गया नाम क्यों लिखवाते हो, उनका कहना था नाम इसलिए लिखवाते हैं पता नहीं किस वक्त हमारे घर पे बमबारी हो जाए, अगर हम बम के गिराने पर मलबे में दब जाएं तो कम से कम हमारे घर वाले हमारे हाथ पर लिखे हुए नाम देख के समझ तो जाएं कि मैं शहीद हो गया हूं। गुज़िश्ता 80 से 85 साल हो गए फिलिस्तीन आग और खून में नहा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं बचता है जिस दिन किसी औरत को न शहीद किया जाता हो, कोई मर्द शहीद ना होता हो, कोई घर पे बम ना बरसाए जाते हो। लेकिन 57-58 मुल्कों पे मुसलमान हुकूमत करने के बावजूद भी गूंगा बहरा अंधा अपाहिज बना बैठा है, एक लफ्ज ये कमीने बोलने को तैयार। बस इतना करते हैं, मैं मजम्मत करता हूं इस हादसे की, मजम्मत करता हूं। दुनिया मजम्मत की बोली नहीं समझती, दुनिया ताकत की बोली समझती है, ताकत की। अल्लाह ने हमें अपाहिज नहीं बनाया है, लूला लंगड़ा नहीं बनाया है। कम से कम जिन मुल्कों के पास ताकत है उन्हें आवाज उठाना चाहिए। और मैं समझता हूं 57 मुसलमानों के मुल्क अगर एकजुट होकर सिर्फ एक आवाज उठा लें, इनकी इतनी दस्तें लगेगी कि इनका पखाना भारी पड़ जाएगा मर्दों को। लेकिन मुसलमान बेगैरत हो चुका है, बेशर्म हो चुका है। क्यों? हमें अपने खाने का पता नहीं, जो हम खा रहे हैं हलाल का है कि हराम का है। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, यह भी देखा गया ना शादी ब्याह के मौके पे, ओहो इतने जहेज चाहिए। हाँ, पहली बात तो ये सुन लो, शादी के मौके पे बारात लेकर जाने का कोई प्रूफ शरीयत में नहीं है। ना कुरान में बरात का कोई तसव्वुर है, ना हदीस में कोई तसव्वुर है। है तो मुझे बता दो आप। हमारे नबी ने 11 शादियां की, कोई बारात नहीं ली। अपनी 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात नहीं।
सहाबा कमोबेश 1,24,000 शादियां करी लोगों ने, कोई बारात नहीं। 10-5 आदमी मस्जिद में बैठते, कहीं बैठ जाते, ये निकाह हुआ, ले जाओ रुखसती कर दो घर जाकर के, दूसरे दिन वलीमा 2-4 दोस्तों कर देना। ये थी शादी। और अब अगर किसी के यहाँ 2-4 बच्चियां पैदा हो जाए ना, तो फिर या तो उस माँ बाप को जहर खा के मरना है, या आग में जल के मरना है, या बेटी समेत कुएं और दरिया में कूद के मरना है। इसलिए कि कौम के सफेद पोश भेड़िए और दरिंदे अपने बच्चों की कुर्बानी के बकरों को लेके घूमते हैं कि हमारा ये बकरा कितने पैसे में बिकेगा। हाँ, फटफटिया चाहिए तो बुलेट चाहिए, वरना 4 पहिया वाली गाड़ी चाहिए। कुछ तो गाड़ी जो लेके जाते हैं ना बारात में, उसका किराया भी वसूल लेते हैं। रुमाल भूल गया मेरा, हजरत रुमाल रहमतुल्लाह अलैह कहीं इधर गया। हमने ये देखा साथी, कितना दूल्हा बनकर के माशाल्लाह हसरत हो खुशी के साथ, इतना बड़ा झूमर पहन करके बेटा, फूलों की माला लाद करके दूल्हे राजा बन के जाते हैं, घोड़े पे बैठ गए। अब वहां जाके मंगता बन के भिखारी भीख मांगता है, गाड़ी लाओ, ये दो, ये पैसा दो। इसीलिए दूल्हा बना। जो लोग अभी लाइन में हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनको मेरा ये मैसेज है, तुम दुल्हनों के यहां जाके मंगता मत बन जाइयो, भिखारी मत बन जाना कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। अल्लाह ने तेरे बाजुओं में ताकत दी है, अब मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया। अर्रिजाल कवामून अला निसा, अल्लाह फरमाता मर्द औरतों पे हाकिम है, और हाकिम मंगता और भिखारी नहीं होता। अगर किसी का लड़का डॉक्टर वगैरह बन जाता है ना, तो उसकी कोशिश ही होती है कि जितना डॉक्टरी में खर्चा हुआ है सब लड़की वालों से वसूल लिया जाए। क्या ख्याल है आपका? कम से कम 25-25, 30-30 स्कॉर्पियो लेके जाते हैं, लाइन लग जाती है कि हो फलानवा की बारात जा रही है, 100-100 गाड़ी। अल्लाह अल्लाह, हमने देखा कई गाड़ियों में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है, 12-12, 25 गाड़ियां देखी थी एक दिन मैंने अपने इलाके में, तो हजरत 10 में तो आदमी थे और 15 में आदमी नहीं, सिर्फ ड्राइवर था, एक बच्चा था। ये बताने के लिए कि 25 गाड़ी लेके आए, वो मंगता जो है ना, ये शो करने के लिए लेके जाता है, इतनी गाड़ी हम लेके आए। तो जिस कौम की ये बुरी हालत हो कि भिखारी बन जाए, मंगता बन जाए, और ससुराल वालों से भीख मांगे, जहेज तलब करे, ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? भिखारी कहा जाएगा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां राजस्थान में सामूहिक विवाह होता है, इज्तिमाई शादियां होती हैं, कुरैशियों की अलग होती हैं, बिश्तियों की अलग होती हैं, मोचियों की अलग होती हैं, बिसातियों की अलग होती हैं, और पूरी कौम की वो अलग होती हैं। 2-2, 3-3 सौ की लड़कियां और लड़के शादी एक पंडाल में। 25 साल हो गए हम लोगों ने मकराना में भी खाना पानी बंद कर दिया है। लड़की वाले के यहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा, बराती वालों ये सोच के बारात लेके मत आना। क्या मिलता है? या चाय मिलेगी, या कॉफी मिलेगी, या एक गिलास शरबत, या एक आइसक्रीम। ये निकाह हुआ, जाइए जाइए अपने घर जाइए, खाना खाइए, ये तरीकेकार है। अब अगर ऐसी सूरत में किसी के 4 नहीं 5-10 लड़कियां पैदा हो जाए तो क्या डर है? वरना हमने ये भी देखा है, अगर शादी जब हो जाती है और 1-1.5 साल तक कुछ पैदा ना हो ना, तो पूरा घर, सारे रिश्तेदार, लो तो बाल्दा लड़के में कमी है कि लड़की में कमी है, 1 साल के बाद।
फिर लगे बेटे लाइन में, डॉक्टर की जांच, इसकी जांच, उसकी जांच, उसमें भी कुछ ठीक ठाक ना हुआ तो बाबा के हाथ से चल गए, ये पलीता जलाओ, ये जो है दफना देना, पुरानी कब्र में गाड़ के आ जाना, 12 बजे रात के बाद जाना, डेढ़ हाथ कब्र खोदना, पीछे मुड़के मत देखना, कुछ वो लूटते हैं, कुछ वो डॉक्टर लूटता है, कैसे कैसे अल्लाह ने कुछ कर्म किया ना, अगर कुछ उम्मीद लगी कि अंदर कुछ है तो पूरा घर पर या अल्लाह लड़का पैदा होना चाहिए। तो लड़की ने तुम्हारी कब्र खोदा है क्या? लड़की को नहीं होना चाहिए? हमारे नबी के सिर्फ लड़कियां थी, लड़के दिए रब ने बचपन में वापस ले लिए। लड़कियों की परवरिश की मुस्तफा करीम ने, इज्जत से तालीम और तरबियत देके शादी करी और रुखसत कर दिया ताकि उम्मत के लोगों को पता चले हमारा नबी बच्चियों से नफरत नहीं करता था, प्यार करता, मोहब्बत करता। बोझ मत समझो बच्चियों को। और 3-4 लड़की अगर किसी बच्ची को हो गई दुल्हन को लगातार, तो पूरा खानदान उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। अरे कहां से आ गई नकटी, सिर्फ लड़की पैदा होती इसके, सिर्फ लड़की। तो मुझे बताइए क्या लड़की वो औरत पैदा करती है? अल्लाह से पूछो, अल्लाह पर बता। यह बोले मैं ये शाओ इनासा वो यह बोले मैं ये शाओ जकूर और यूसुफ विजहुम दुकराना व इनासा व जरो मैं ये शाओ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता है लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। हमने देखा है बहुत सारे अरबपतियों को अमेरिका लंदन तक इलाज करा के आ गए, अल्लाह ने नहीं देना तो नहीं दिया। और हमने बहुतेरों को देखा है घर में खाने को नहीं है, मगर हम दो हमारे 10 चिंकी फिंकी डब्लू लहक महक चहक, चड्डी मिली तो पजामा, कुर्ता मिला तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो रोटी नहीं, दोनों नली बह रही है। यूं पल जाते यार, लथरी शान क्या है? घर में खाने के लिए वादे हैं, मगर औलाद की रब ने बहारें लगा दी उसके घर में। पता चला लड़का लड़की देना किसी औरत का काम नहीं, किसी डॉक्टर का काम नहीं, किसी बाबा जी का काम नहीं, अल्लाह देता है जिसे चाहता है। इसलिए किसी पर ताना मत कसा करो कि इसकी लड़का पैदा नहीं होता है या लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं, इसका कसूर है। ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह है जो तुम अल्लाह के कानून पर ऑब्जेक्शन करते हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उर्स करो पाबंदी नहीं है, मगर उर्स करना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, ठीक है? इस उर्स को जो लोग शुरू करते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, ये एक बिजनेस और कारोबार बन जाता है। हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, इतने लोग इस धंधे में लग जाते हैं कि अब गुनाह कितना होता है ना कमेटी रोक पाती है, ना हजरत खलीफा साहब रोक पाते हैं, ना मौलाना साहब रोक पाते हैं, गुनाह इतना ज्यादा शुरू हो जाता है कोई रोकने वाला? आज मेरे मोहल्ला में सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मस्जिद जो शाहजहानी उसके दक्षिण साइड में जो कब्रस्तान छोटा सा है, चरस गांजा भांग अफीम हीरोइन गर्द सब वहीं पीते बैठ के, बोले कलंदर लोग जिसकी मां ने दम पिला, जरा रोक के बताओ क्या ये? हर महीना छठी में लोग जाना फर्ज समझते अजमेर। ओ पगलो कान खोल के सुनो, तेरी जन्नत तेरे मां की शक्ल में तेरे घर में मौजूद है, कभी उसके भी पांव तुमने चुमे? मुसलमान तेरी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं। अल्लाह का नबी फरमाता अल जन्नत तहता अक्दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। कभी मां के पैर चूमने आपने? कभी बाप के हाथ को बोसा दिया आपने? पीर साहब आ जाए
जूता चप्पल यूं, और ये भी दिखा कर पीर साहब सिगरेट पीते हैं ना, तो जो उसका गुल झाड़ते बेटा यूं लेगा चाट लेता है वो, बेशरम बेगैरत कहीं का। कभी मां का जूता भी खाया तुमने? क्या आपने नहीं सुना कि हजरत अवैस करनी सिर्फ मां की मोहब्बत और खिदमत की बुनियाद पर नबी रहमत से मिलने नहीं गए थे? ये नहीं पढ़ा, नहीं सुना इसको आपने? साहबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह क्या वो आपका आशिक कभी आपसे मिलने आया? कहा नहीं। कहा क्या वजह क्या है? कहा उसकी एक बूढ़ी माँ है और खिदमत उसकी उसी बच्चे के जिम्मे है, तो अपनी माँ की खिदमत करता है। अगर वो आते तो सहाबियत के शरफ से मुशर्रफ होते, और सहाबी उस मर्द मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की नजरों से एक पल के लिए हुजूर का रुखे जेबा देखा हो, ईमान पे खात्मा हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। जिसके लिए अल्लाह का फरमान वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। एक शख्स ने पूछा था गजालिये दौरा अल्लामा अहमद सईद काजमी रहमतुल्लाह अलैह से, कोई शख्स अगर लाखों बास की उम्र पा जाए, लाखों साल की, और इबादत में गुजार दे, तो क्या वो सहाबी के दर्जे को पहुंच सकता है? अगर नहीं तो क्यों? तो अल्लामा अहमद सईद काजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स लाखों साल की उम्र पा जाए ना, और हर दम अल्लाह का सजदा और इबादत करता रहे, तो सहाबी के दर्जे को क्यों नहीं पहुंच सकता? इसलिए नहीं पहुंच सकता कि ईमान की हालत में एक नजर हुजूर के जमाले जहां आरा को देखने में जो सवाब अल्लाह ने रखा है, वो लाखों साल की इबादत में नहीं रखा है। तो क्या सहाबा को पता नहीं था? अगर हजरत अवैस करनी मां को छोड़ करके आ जाते मदीना, हुजूर की ज़ियारत कर लेते, सहाबी बन जाते, मगर इस एजाज को उन्होंने सानवियत के मंजिल में रखा और मां की खिदमत को अव्वलियत के मंजिल में रखा। इनाम क्या मिला पता है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली उमर ये मेरा जब्बा है, पैरान है, इसे लेके जाओ और मेरे उस दोस्त को अवैस करनी को पहुंचा देना। ये दोनों लेके आए थे, करण गए। क्या आएगी? आका ने फरमाया था कि मेरे इस दोस्त की दुआ पर मेरा अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों को कबीले रबियार कबीले मजर के भेड़ों के बाल की तादाद के बराबर बख्शिश का परवाना था फरमाएगा। एक भेड़ में कितने बाल होते हैं गिन सकता कोई? अरे यार बकरी के पूंछ के बाल गिन बता दो। कबीले रबिया कबीले मजार, ये दो कबीले ऐसे थे जो मदीने में बहुत ज्यादा बकरियां और भेड़ पाला करते थे। तो हुजूर ने क्या फरमाया? ओवैस की दुआ पर मेरा अल्लाह मेरी उम्मत के इतने गुनेगारों को बख्शेगा जितना कबीले रबिया और मजर के भेड़ों और बकरियों के बाल। अल्लाह हमारा और आपका भी शुमार उसी में फरमा ले, वरना कुछ पता नहीं कि कहां जाएंगे। हमें खुद ही नहीं पता कि हम कहां जाएंगे। हम गए बहुत सारे ठेकेदार भी हैं, इंशाअल्लाह हम जन्नत में लेके जाएंगे। हमने बाजाबता डींगे मारते हुए सुना है लोगों को, पीर साहब ले जाएंगे जन्नत में, फलाने साहब जन्नत में लेके जाएंगे। लेकिन किसी पीर को पता है कि वो खुद जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा? बड़े पीर रोशन जमीर पीराने पीर दस्तगीर शाह अब्दुल कादर जीलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन न किया जाए। ये नहीं बताते हैं लोग पीर साहब जन्नत में लेके जाए। जिनके पास कंफर्म टिकट थे जन्नत के, वो रात रात भर रोते थे, रात रात।
और जिनके पास वेटिंग लिस्ट है वो रात रात का दिन दिन भर सोते हैं, ऐसा सोते हैं मौत से डरने मार के बेटे 9 बजे तक। जो लोग सुबह फजर नहीं पढ़ते हैं और सोते रहते हैं सूरज निकलते वक्त, तो जनाबे शैतान उसके मुंह में शुशु फरमा देते हैं। शौक है आपको सोते रहे? अल्लाह का ऐलान, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़्वा। 17वां पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। अल्लाह कहता हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, नहनु नरज़ुकुक, रोजी हम तुम्हें देंगे। वल आक़िबतु लित्तक़्वा, बेहतरीन अंजाम ये है तू परहेजगार बन जा, अल्लाह से डरने वाला बन जा। अल्लाह तो ये कहता है, और हम रोजी के चक्कर में खुदा को भूल गए। लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिज्क है रज़ाक का ख्याल नहीं। इख्तिताम तक पहुंचने की कोशिश में करता हूं, अल्लाह को भूल गए, जबकि अल्लाह का वादा है वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाह रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तकर्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। मैंने अपनी बात कोई नहीं करी, मैं कुरान से बात कर रहा हूं। अभी हमने हदीस भी एक नहीं पढ़ी है, शायद कुरानी आयात पढ़ रहा हूं। अल्लाह कहता है जमीन पर रहने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। कितनी रोजी देनी है, कहां देनी है, कब देनी है, ये सब रोशन किताब में मौजूद है कुरान में। जब हम अपनी मां के पेट में थे, 4 महीने के बाद जब रूह डाली गई थी हमारे जिस्म में, जब मां भी बेपरवाह थी हमें कुछ खिलाने पिलाने से, किसने पाला हमें मां के पेट में? पैदा हुए तो मां के पिस्तान में दूध की नहर हमारी परवरिश के लिए किसने जारी की? जो अल्लाह हमें हमारे मां के पेट में पालता हो, पैदा होने के बाद माओं के पिस्तान में दूध पैदा कर दे हमारी परवरिश के लिए। अब तो माशाल्लाह हम लोग 6 फीट के, 7 फीट के, 6.5 फीट के हो गए, क्या हमें अल्लाह भूखा रखेगा? आदमी क्यों इतना परेशान रहता है यार, नमाज छोड़ देता है रोजी के चक्कर में। क्या बताएं इमाम साहब, बहुत ज्यादा धंधा फॉर्म में होता है, ग्राहक बहुत ज्यादा होते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता, वक्त नहीं निकल पाता है नमाज पढ़ने का। अच्छा उसी वक्त जब 50 ग्राहक आपकी दुकान पे मौजूद हो और आपको दस्त लगना शुरू हो जाए तो तब भी कहेंगे आप थोड़ा चुप रहिए, पेट साहब गुड़गुड़ाइए, अभी बंदा बहुत फॉर्म में, खरीदार बहुत मौजूद है, अभी तो मैं संदास करने नहीं जाऊंगा। फिर जानते हो क्या, पूरी दुकान का सत्यानाश हो जाएगा। पेशाब लग जाए तो हर काम छोड़ के पेशाब करने जाते हो, पाखाना लग जाए तो दुकान पर किसी जिम्मेदार को खड़ा करके पहले पाखाना करने जाते हो। जब नमाज का वक्त आता है तो ये बहाने कहां से सूझते हैं आपको, कहां से सुनते? हमारा सुन्नी जो है ना बड़ा, बोले यार वो थोड़ा तो लतीफा नहीं सुनाया मैंने, हाँ थोड़ा हंसाया नहीं मुझे, तकरीर ऐसी हो खूब नारे लगे, काहे की जिंदाबाद है भाई साहब, ना आप जिंदाबाद है ना हम जिंदाबाद, साहब मुर्दाबाद। जिस कौम की बच्चियां भाग कर गैरों से शादियां कर रही हैं वो जिंदाबाद, जिस कौम के बच्चों की लाशें झाड़ियों में कटी हुई मिलती हूं कौम जिंदाबाद है, दरिया में तैरती हुई मिलती हैं वो कौम जिंदाबाद है, जिस कौम के पास ढंग के स्कूल ना हो कौम जिंदाबाद है, जिस कौम के पास ढंग के मदरसे नहीं वो कौम जिंदाबाद है, जिस कौम की
कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल नहीं, जिसके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर लायर नहीं, ढंग के मौलाना नहीं, वो कौम जिंदाबाद है। मुझे तो ऐसी जिंदाबाद का अब तक कोई प्रूफ नहीं मिला है यार, कहीं नहीं मिला। हम कैसे जिंदाबाद? खाली ये मौज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अल्लाह मुहासिबे हकीकी है, एक एक पल का हिसाब लेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब अल्लाह को नहीं दे लेगा, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अल्लाह हश्र के मैदान में कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा, पूछेगा बंदे तूने जिंदगी कैसे गुजारी, जवाब देने की तैयारी कर। चकमाल के लोगों जवाब देने की तैयारी कर, वरना याद रखना हिसाब देते 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 छठी का दूध याद आएगा। अल्लाह हिसाब ले। यहां तो बहुत सारे लोग हिमायती खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं मेरा रिश्तेदार है, मेरे काका वाला है, मामू वाला है और मासी वाला है, वहां कौन खड़ा होगा? जब मां कहेगी मैं इसकी मां नहीं हूं, बाप कहेगा ये मेरा बेटा नहीं है। आदम पैगंबर से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी कहेंगे जाओ दूसरे के पास जाओ, मैं आज तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। अंबिया फरमाते, अल्लाह फरमाता यौम यकूम रूह वल मलाइका सफ्फन ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़न लहुर रहमान वकाला सवाबा। हश्र के मैदान में जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह के दरबार में कांपते होंगे, किसी को जुर्रत ना होगी अल्लाह से बात करने की। बात वही करेगा जिसको स्पेशली परमिशन अल्लाह ने दिया हो, वो मेरे नबी के अलावा कौन है। इसलिए अभी हम मरे नहीं हैं, मरने से पहले तौबा कर लो, रोजाना सोने से पहले अपने गुनाहों की तौबा करके सोया करो। इसलिए सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। अभी बहुत सारे लोगों को सोते सोते ट्रांसफर होते देखा है, हाँ रात में सोए थे खैरियत के साथ, सुबह हुई तो मौजिन साहब ने अजान के बाद पुकारा, गांव के लोगों बड़े अफसोस के साथ आपको इतला दी जाती है, फलाने साहब दो सोए थे रात में, अचानक इस दुनिया से उस दुनिया में तशरीफ ले गए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब की जनाजे की नमाज जोहर के बाद पढ़ाई जाएगी। अभी ये बहुत सुनने में आता है फजर की अजान, मुमकिन है वो आप हो या हम। साथियों दोस्तों बुजुर्गों, अभी आपको नाते भी सुननी है, ठीक है ना, शायर अहले सुन्नत जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब, वो उनकी आपको कलाम सुनने हैं। तुम वो तशरीफ ला चुके हैं मेंबर इनो, तो बस मैं ये अर्ज करूंगा, आपने जो मदरसा बनाया है उस मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, ठीक है, और खुद भी नमाज पढ़िए, अपने बच्चों को साथ में लेके आइए मस्जिद में, ताकि आदत पड़े नमाज की। माएं बहनें घरों में नमाज की पाबंदी करें, और अपने इमाम साहब को मदर्रिस साहब को तनख्वाह ठीक ठाक दिया करो। हमारी कौम इस मामले में बहुत पीछे है, कव्वालों पे खूब नोट उठाती है, अगलम बगलम पैसे खूब खर्च करती है, लेकिन जहां इमाम की तनख्वाह की बारी आ जाए, मुदर्रिस की तनख्वाह की, जी वो आपसे पहले 6,000 देते थे, हम आपको 6,500 दे रहे हैं। ये हालत हमारी कौम की है। जो आदमी आपको जिसको 6,000 7,000 8,000 तनख्वाह दे रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाएगा आपके? वो एक मसल है ना, जैसी तुम्हारी दाल भात वैसी हमारी पातिया,
अब एक पीर साहब की तस्वीर देखिए हजरत, किसी गरीब आदमी ने उसको बुलाया था फातिहा करने के लिए, जब अंदर इंटर हुए ना, वीडियो है मौजूद यूट्यूब पर, उन्होंने थोड़ा सामान रखा, देखा बस जैसे गए बस यूं रवाना, कुछ पढ़ा भी नहीं, फूफा भी नहीं, ये रवाना। जब बड़ा आदमी के यहाँ फातिहा करने जाते हैं, क्या चौड़े होके बैठते हैं, जनाबी वाला सूरह यासीन शरीफ भी पढ़ डालेंगे पूरी, तबारक अल्लज़ी बियदिल मुल्क भी पढ़ डालेंगे खूब बढ़िया से, अखीर में वो दुरूद ताज भी पढ़ेंगे, अल्लाह और घर घर के जितने मरे हैं सबका नाम लेके बख्शेंगे सबको, और गरीब आदमी ऐसे कदम रखा, थोड़ा देखा ये है। तो इसलिए इमाम साहब को, मदरिस को तनख्वाह ठीक ठाक दो, ताकि नियत बांधने के बाद वो बाजार में सब्जी खरीदने ना पहुंच जाए। हाँ, मेहनत से पढ़ाएं, मुझे बड़ी खुशी है मौलाना बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके गांव में, आपके रिश्ते भी शायद लगते हैं, ये इनका साथ दीजिए, आप सब मिलजुल करके काम कीजिए, एक बेहतरीन मदरसा कायम, मदरसे को फरोग दो, अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ, जब बच्चा आपका स्कूल और कॉलेज में जाए उससे पहले एक पक्का सच्चा मुसलमान बन जाए। सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में हमारे सामने ये है, हम अपनी नस्ल को मुसलमान कैसे रख सकते हैं, ये सोचने का विषय है आज की तारीख में, ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे मुसलमान ही रहें। वो तदारुक हमें करना है, इस रास्ते पे चलना है, दीन को फरोग देना है। चकमाल के लोगों, आप बुजुर्गों के मजारों पे जाओ अच्छी बात है, फातिहा पढ़ो अच्छी बात है, मगर उनके बताए हुए तरीकों पे अमल करो, ठीक है। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, हर छोटा बड़े की इज्जत करे, हर बड़ा छोटे से प्यार करे, और नजरों को झुका कर रखा करो, ये आवारा ना बनने पाए जिसकी बुनियाद पर आपके गुनाहों में इजाफा हो। लगाम लगा के जबान पर भी, कान पर भी, आंख पर भी, हाथ में पट्टे हों शरीयत के, पैरों में बेड़ियां हों, ताकि एक बेहतरीन मुसलमान बनकर के अल्लाह की बारगाह में आपका शुमार हो। अल्लाह हमें नबी के गुलामों में कबूल फरमाए। करबला के शहीदों का वो किरदार जो करबला में अपनाया था, उसे हमेशा सामने रखो, और ये महसूस करो इस कंडीशन में भी जिन्होंने सजदा करना नहीं छोड़ा, हम तो ठाट से खा पी करके भी टन मार के सोते हैं, क्या ये मुंह दिखाने के लायक है करबला के शहीदों को कि आप तो 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, फिर भी जाते जाते सजदा करके गए, और हम तो 3-3, 4-4 टाइम खाते हैं और फिर भी सोते रहते हैं। बस ये एहसास दिलाने की बात है, ना मैं आपको दीन पे अमल करा सकता हूं, ना कोई करवा सकता है, मेरा काम बात समझाना है, आपकी समझ शरीफ के झरोखे से दिल की तख्ती तक अगर बात पहुंचती है तो बस इतना ही मेरा काम। बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर एक बात ही जानते हो तो दूसरों तक पहुंचा दो, सो हमने आप तक पहुंचा दी जो मेरी जानकारी थी। अब अमल करें न करें ये आपका अपना मैटर है, इसलिए कि आपकी कब्र में शमसुद्दीन नहीं जाएगा और शमसुद्दीन की कब्र में आप नहीं जाओगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।